हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। ऑटिज्म में बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर काफी डिफिकल्टीज रहती हैं, क्योंकि उनका सोशल एरिया वीक रहता है, उनके सोशल स्किल्स लैक रहते हैं। इस वजह से उसका सीधा इफेक्ट उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर पड़ता है। हमें देखने की जरूरत यह रहती है कि ऑटिज्म में बच्चे अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपने अपने तरीके से। वो क्या तरीके हैं, पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले, जो कुछ बच्चे हैं वो अपने आप से चीजें ले लेते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं उन्हें महसूस होती, ना ही वो मांगना चाहते हैं। अगर इन्हें भूख लगी है तो अपने आप उठाकर कुछ खा लेंगे, और प्यास लगी है तो अपने आप पानी पी लेंगे। और इस वजह से बच्चों में वो कम्युनिकेटिव इंटेंट जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, कि बच्चों को किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं महसूस होती। कई बार हम भी पेरेंट्स होते हुए हमें लगता है कि हमारा बच्चा भूखा ना रह जाए तो हम उन्हें खाना दे देते हैं। जब हमें लगता है कि बच्चे को प्यास लगी है तो हम उन्हें पानी दे देते हैं, इससे उनकी नींद पूरी हो जाती है और उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस वजह से हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन का एक चांस दें, वो चीजें हम बच्चों की अप्रोच से दूर रखें, जो लगे हमें कि बच्चे को जरूरी है, उसको चाहिए, तो हम उनसे थोड़ी दूर रखें ताकि वो आपसे मांगे। हमें इस केस को बिल्ड करने के लिए जरूरत है देखने की कि हमारा बच्चा किस वे में कम्युनिकेशन करता है। दूसरी चीज जो रहती है बच्चों में, कि आपका हाथ पकड़ के, अक्सर बच्चे आपका हाथ पकड़ के उस चीज को रखते हैं, खुद से पॉइंटिंग करते हैं, तो हमें ऐसे में उन्हें पॉइंटिंग सिखाने की जरूरत होती है। चीज को देखते रहना जो उन्हें चाहिए, एक ये चीज जो है हम उन्हें इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। जब बच्चे उस चीज को देखते हैं तो हम भी उन्हें बताएंगे पॉइंट करके, आपको वो चाहिए, उससे पॉइंट करवा सकते हैं, ताकि बच्चे को सिर्फ देखना ना पता चले, उसे पता चले कि अगर मैं पॉइंट करूंगा तभी मुझे ये चीज मिल सकती है, और इजीली मिल सकती है। ताकि बच्चों में पॉइंटिंग सिखाना जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की पहला स्टेप है, और यह सिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ बच्चों को, जो बच्चे बातों को रिपीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एकोलेलिया, एकोलेलिया के थ्रू भी बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंगफुल वे में नहीं हो पाता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है हम उस एकोलेलिया को एक कम्युनिकेटिव वे में, किस तरह से उन्होंने उसको कम्युनिकेशन में हम उसे यूज कर सकते हैं। जो जिन बच्चों को एकोलेलिया होता है उन्हें किस तरह से हम कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जो काफी हेल्पफुल होगा आपके बच्चों के लिए, जिन बच्चों को एकोलेलिया रहता है। इसके अलावा जो चीज रहती है कि क्राई करना, लगातार रोते रहना। जब बच्चा कुछ भी नहीं करता इनमें से, तो क्या करते हैं, जब हम समझ नहीं पाते उनकी बातों को, उनको कुछ चाहिए तो बच्चे लगातार रोते चले जाते हैं उस चीज के लिए, और हम समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद जो एक स्टेज आती है वो होती है प्रॉब्लम बिहेवियर की, जब उनके रोने और चिल्लाने पर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, तो उस वक्त पर बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम बिहेवियर्स करती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, और इसे हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्पीच से बहुत बढ़कर है। स्पीच सिर्फ एक हिस्सा है कम्युनिकेशन का, लेकिन ज्यादातर जो है कम्युनिकेशन हम नॉन वर्बल वे में करते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। उन्हें किस तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हम बिल्ड करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोगों का यह मानना है कि स्पीच इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पीच सिर्फ एक हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और ज्यादातर जो है हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का, बात करते वक्त हम अपने जेस्चर्स का या अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं वर्बल से। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे को, अगर हमारा बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी, या फिर वर्बल भी है तब भी, उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है कि हम फोकस करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर, क्योंकि बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा फंक्शनल रहता है। अगर बच्चे सीख जाते हैं तो उनको आगे स्पीच को डेवलप होने में भी काफी हेल्प मिलती है, उनमें स्पीच आने के चांसेस रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन जो है वो फंक्शनल रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने में सबसे पहले एक जरूरी चीज रहती है कि कम्युनिकेशन इंटेंट का होना, बच्चा आप उसमें कम्युनिकेशन इंटेंट होनी जरूरी है। उसके पसंद की चीजें जो है अगर उसके सामने रखी जाएं तो बच्चे का कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक होता है कि मुझे कम्युनिकेट करके ये चीज चाहिए, मांगनी है।
तो उसे एक प्रॉपर वे में मांगना, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन। फंक्शनल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम FCT भी कहते हैं, यानी फंक्शनल कम्युनिकेशन। यह सिखानी बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारी लाइफ का हिस्सा है, ताकि बच्चा मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेशन बाइंडर की हम ले सकते हैं, कम्युनिकेशन बाइंडर बना सकते हैं, जिसमें हम बच्चों की पसंद की उसकी फेवरेट चीजें रख सकते हैं, उसकी पसंद की एक्टिविटीज रख सकते हैं। ये सब चीजें जो है बच्चों में कम्युनिकेशन को डेवलप करने में काफी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज रहती है वो रहती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, एक चीज रहती है पॉइंटिंग, जिसे हम सोशल्स भी मानते हैं, क्योंकि पॉइंटिंग जो है एक मीनिंगफुल वे है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें पॉइंट करना है। लेकिन ऑटिज्म में ये चीज लैक रहती है, बच्चे पॉइंट नहीं कर पाते। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने पॉइंटिंग के बारे में बताया कि आप किस तरह से बच्चे को पॉइंटिंग सिखा सकते हैं। बच्चा अगर पॉइंट करना सीख जाता है, वो अपनी नीड्स को अच्छे से पॉइंट करके एक्सप्रेस कर सकता है एक मीनिंगफुल वे में। तो इसीलिए बच्चों को पॉइंटिंग सिखाना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज, अडेप्टेड साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, कुछ बच्चों के इमिटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऑटिज्म में इमिटेशन स्किल्स की जो है बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। जिन बच्चों के इमिटेशन स्किल्स जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, बच्चों को इमिटेशन अच्छा रहता है, वो बच्चे साइन लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखते हैं। और साइन लैंग्वेज जो है वो भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का। इसके अलावा कुछ हम रियल पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं बच्चों के में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, हम उन्हें रियल पिक्चर्स, बच्चे की रियल पिक्चर्स लें और उन चीज़ों की रियल पिक्चर्स लें, ताकि बच्चा इजिली कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें रियल पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल चीज़ों के साथ बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कई बार चीज़ को जो उन्हें चाहिए। तो हम रादर देन कोई और पिक्चर रखने के बजाय, अगर हम रियल चीज़ की पिक्चर रखते हैं तो ज़्यादा यूजफुल रहती है बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने में। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकती हैं जो बच्चे की पसंद की हैं, फॉर एग्जांपल उसके खाने की चीज़ें हैं, या उसके फेवरेट टॉयस हैं, या उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं। याद रखें कि जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की बात करते हैं, तो एक चीज़ पर हमारा हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि हम बच्चे की फेवरेट चीज़ों के साथ में शुरुआत करें। क्योंकि जब बच्चों की फेवरेट चीज़ों को हम ऐड करते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है और बच्चे मीनिंगफुल में कम्युनिकेशन करना जल्दी सीख पाते हैं। इसके अलावा विजुअल शेड्यूल्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। विजुअल स्किल्स उनके डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, उन्हें ये रहता है कि उन्हें क्या करना है। और ये चीज़ जो है बच्चों की कम्युनिकेशन, क्योंकि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, ये चीज़ भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा सेंसरी एक्टिविटीज, सेंसरी उनकी फेवरेट चीज़ है जो मोटिवेट करती है उन्हें सीखने के लिए, उन्हें बोलने के लिए। आप सेंसरी चीज़ों को अगर आप ऐड करते हैं और उसके साथ प्ले करते करते अगर आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेंसरी जो है वो बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने में बहुत इफेक्टिव टूल का काम करता है। क्योंकि सेंसरी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और जिस चीज़ में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, हम उन चीज़ को अगर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो बच्चों का जो लर्निंग है वो बहुत जल्दी होती है, और बहुत बच्चों का जो कम्युनिकेशन जो रहता है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है इस चीज़ को लेके। क्योंकि बच्चों की उनकी पसंद की चीज़ है, उनके इंटरेस्ट की चीज़ के साथ अगर हम उनकी पसंद की चीज़ को ऐड करते हैं, सेंसरी उन्हें अगर कोई भी टेक्सचर पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़ पसंद है, चाहे वो स्विंग है या ट्रैम्पलिन है, अगर जो भी उन्हें फेवरेट एक्टिविटी है, अगर हम उस एक्टिविटी के टाइम पर उन्हें कुछ सिखाते हैं, उस टाइम पर बच्चे जो हैं जल्दी सीखते हैं, तो हम उनकी कोई भी पसंद की चीज़ ले सकते हैं, कोई भी सेंसरी आइटम यूज़ कर सकते हैं या सेंसरी प्ले यूज़ कर सकते हैं बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने में। इसके अलावा घर पर कुछ ऐसी कम्युनिकेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग करना, बच्चों को रीड करके एक बुक पढ़ाना जो है और पिक्चर सिखाना, ये भी बच्चों की में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं। क्योंकि बच्चा चाहे आप बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो आपको सुन रहा है, इस तरह से आप उसमें वो रिसेप्टिव स्किल्स जो हैं वो उसके डेवलप हो रही हैं, जो आगे उसको कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा घर में जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा फ्री बैठा है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करते रहें, उसे बात करते रहें, कोई भी काम करें, देखो मैं क्या कर रही हूँ, या कोई भी आप एक्टिविटी करने वाले हैं, उससे बच्चे उसके बारे में बच्चे को बताना जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन करना जो है वो बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है बच्चों में रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए।
इसके अलावा अगर आपका बच्चा कोई भी बात करने की कोशिश करता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, उसकी हर अटेम्प्ट को, उसकी हर एफर्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात को बताए, एक्सप्रेस करे, चाहे वो तरीका वर्बल है या नॉन वर्बल, लेकिन उसकी बात जो है आप तक पहुंचनी जरूरी है, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीच, इससे काफी बढ़कर है। हमें ये सिखाने बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को वोकैबुलरी बिल्ड करने में हेल्प करना, उनके लिए उनको नए नए वर्ड्स बताने और उनको इंट्रोड्यूस करना लाइफ में या उनकी चीज़ों में ऐड करना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों में डेवलप करने का। जब बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं आप, ये जो बेस है, एक जो आप बेस बना रहे हैं बच्चों में कम्युनिकेशन का, वो आगे उसको सोशली हेल्प करता है बच्चों को दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, फ्रेंड्स बनाने में उसको उतनी डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ती जितनी नॉर्मली बच्चों को करनी पड़ती हैं ऑटिज्म में। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं और बच्चों में शुरू से ही इन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो आपके बच्चे में बहुत चांसेस रहते हैं फ्रस्ट्रेशन को कम होने के, उनके प्रॉब्लम बिहेवियर्स को कम होने में। क्योंकि जब आपका बच्चा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, यह मैटर नहीं करता कि आपका बच्चा वर्बल वे में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है या नॉन वर्बल वे में, उसका एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, ताकि हमारे बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर्स जो हैं वो ना हो और बच्चों में फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जायटी ना हो जो नॉर्मली ऑटिज्म में रहती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने में और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में।